मैंने कहा था जिसके पास इख्तियार है ना वो जबरदस्ती भी बनवा सकता है, लेकिन नहीं मनवा रहे क्योंकि इख्तियार उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कभी इख्तियार अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, अली ने तलवार अपने लिए चलाई कि दुनिया को पता चल जाए मैं कितना बहादुर हूँ। अली ने तलवार इसलिए चलाई, हमेशा जब भी चलाई अपने लिए कभी नहीं चलाई। अगर जो के लिए ऐसी चलाता हो तलवार, क्यों अली आपने अपने लिए तलवार क्यों उठाई? अरे भाई अली इतने आप लोग इससे पढ़ते हैं, बद्र में ये कर दिया, उहद में ये कर दिया, खैबर में दर उखाड़ दिया और खंदक में ये कर दिया, अली का ये आलम बता देते तो भाई फजल वापस क्यों नहीं ले लिया? इतने ताकतवर थे और लोग कांपते थे तो अली ने फजल वापस क्यों नहीं ले लिया? अच्छा फिर अली ने ये क्यों नहीं किया कि जो जो बिदअतें शुरू हो गई थी वो बंद क्यों नहीं करवाई अपने दौर में? अच्छा अली ने ये क्यों नहीं किया जब गले में अली के रस्सी डाल के मदीने की गलियों में खेलता रहा था, अली तलवार क्यों नहीं वाली? मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, सामने की बात है ना। अच्छा अव्वल तो हमारी नई नस्ल को अब यही नहीं पता कि उसी मदीने में अली के गले में रस्सी डाल के खींच गई, सड़कों में सीटा गया था। अच्छा लोग इसको मानते नहीं है, एक वाक्य से हाँ हाँ फतेह की खैबर के गले में रस्सी हो सकती है। बच्चों को अपने बच्चों को बताया करें अली बहादुर भी थे मजलूम भी थे। मजलूम होना है बनेंगे कुछ कह रहे हो, मजलूम होना अली की फजीलत है। दलील वो दिन भूल गए मौला अली के मुकाबले में फकीर शाम ने जुमला कहलवाया और लिख के भेजा, कब वो दिन भूल गए जब तुम्हारा ऐसा आलम किया था कि गले में रस्सी थी और तुमको घसीटा जा रहा था, वो दिन याद नहीं है? मौला अली ने जुमला कहा सुनिए, कहा तू मुझे जलील करना चाहता था लेकिन तूने मेरी फजीलत वादे कर दी, कहकर तूने कायनात को बता दिया अली मजलूम है सालिम है। तो भाई हमें इससे ज्यादा क्या बात बताऊं? लोग समझते हैं हमें मार रहे हैं कत्ल कर रहे हैं तो हमें जलील कर रहे हैं, जलील नहीं कर रहे, ये कायनात को बता रहे हैं कि जालिम कौन है मजलूम का।